आप क्या कर रहे हैं? कौन लेके आए? कौन पड़ा हुआ है? सोना। एक मिनट पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या। अच्छा ये पाइनएप्पल है। ओ एवोकाडो। एक बार खाया था हमने गोकामोले एंड सैंडविच तो बनाया ही नहीं ना हमने। कितने का मिला एवोकाडो? सस्ता मिला? नहीं 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 उतना का ही, जितना 250 रुपए का एक। एक अरे यार बहुत महंगा है यार। इसमें तो 100 रुपए मिला के हम लोग 200 रुपए और मिलेंगे। इसमें इसमें तो मैं पूरा एक सिजलर खा लूंगी, वेज सिजलर दोनों मिला के। हेल्दी भी है। अब सिजलर भी हेल्दी है। सोना सोना। इसका क्या खाओगे अभी आप? गोकामोले खाओगे, सैंडविच खाओगे, क्या खाओगे? सब कुछ खाऊंगा। अभी तो इतना इतना लेके आया मैं गोकामोले। हां शो मी। ये हमारा सोने का अंडा है ये। एवोकाडो। वी जस्ट लव एवोकाडो। बनाएंगे कुछ इसका हेल्दी है। लेट मी सी जूसी है कि नहीं है। सो टेस्टी। यहाँ बनी है आलू मेथी की सब्जी। यहाँ मैंने दही जमाया है उबालकर। यहाँ बनाए हैं मार्निकल की राइस बना के जस्ट अभी रखी है। और ये बनाई है अखा मसल दाल। देखिए गर्मा गर्म परोसती हूँ खाना। हमने बनाया है ये कैरी का अचार। थोड़ा वाली खाने की प्लेट आलू मेथी की सब्जी, मसर की अखा दाल है, सलाद है, दही और गर्मा गर्म रोटी। ये अजीत और हृदय की प्लेट और ये है निष्ठा की प्लेट। इसे मैंने डाला है निष्ठा के लिए पिकल अलग। मैं कर लूंगी आज निष्ठा को। शी इज वेरी हंग्री। हे बेबी एंजॉय। तुम्हारा वो लगता है जो कॉम्पिटिशन सबसे पहले किसको मिलेगा खाना? एवरी टाइम दिस सरप्राइज कि किसको पहले मिलने वाला है। और ये है अजीत और हृदय की प्लेट। अरे इट्स योर फेवरेट। It's your favorite. Enjoy. बोली निश्चा आज तो बहुत अच्छा खाना होना है ना। हमारी शाम की चाय इसको मैं छान लूंगी। साथ में यहाँ पर थोड़ा राशन घर का बना था हमारा फेवरेट साबुदाना जाड़ा पोहा। और ये रहा बहुत दिन से बनाए नहीं मैंने न्यूट्रेला सोया मिनी चंक्स, ये बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर बाकी सारा सामान सेट कर रही हूँ। और ये थोड़े से बेसन वाला सिंदना अजीत के लिए। और बच्चों के लिए टैंग मंगाया है मैंने। साथ में पॉपकॉर्न है तो ये हमारा स्नैक्स पॉक है। एंड और यहाँ पर ये हमारा गुड़ का पाउडर जो कि हम चाय बनाते हैं। शक्कर की जगह हम यूज़ करते हैं जैगरी पाउडर। हाँ ये रही हमारी टाटा टी गोल्ड चाय पत्ती हम करते हैं जो यूज़। और ये रहा दावत का सुपर बासमती राइस। सो आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन थे क्वेरी चाय पत्ती गुड़ क्या क्या करते हैं उसका मैंने आंसर दे दिया। ये रही चाय। अजीत ओ माय गॉड बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो भी बुक्स देखो कैसे फंसा के गए लोग खेलने गए तो कोई बात नहीं। जीत डू यू मिस मी? पापा क्यों चिल्लाए? ओ माय गॉड रिदि यू मेड इट? यस शो मी। इट्स विद स्केच पेन? यप। सबवे सर्फर? ओ रिदि दिस इज सो क्यूट। पापा ने ऐसे चिल्लाया जोर से। Wow, you're a high five. Then now you're going to color it also nicely? Yes. Yay, good job. Come and show me, okay? Okay. Abhi Riddhi ne color kar liya. Oh my God, Riddhi. Pura draw kiya, color kiya. Good job, Subway Surfer kid. You're almost so cute, so talented you are. Because papa pe gayo. गरिमा क्या कर रहे हो आप? आलू बना रही हूँ गर्मा गरम आलू के पराठे। ये पिट्टी बोलते हैं इनकी मम्मी मतलब मेरी सासू मद माँ पिट्टी बोलती है आलू की पिट्टी।
और मेरी मम्मी बोलती है आलू का मसाला, तो मैं दोनों में से कुछ भी बोलती हूँ जो मुझे बोलना होता है। एंड इसको बस स्टफ कर दिया। तो ये पहले से पहले बना रही हूँ निष्ठा के लिए, और निष्ठा नहीं खाती है मक्खन वाला पराठा, तो उसको मैं तल के घी से दूंगी। एंड कोशिश करूंगी कि मीडियम साइज बने, ज़्यादा बड़ा ना बने, बस ठीक है। इस आटे का ज़्यादा स्पेशल होता है कि अच्छे से होना चाहिए। ये देखिए आराम से मिल रहा है, गोल भी बन रहा है। आप ना रिकॉर्डिंग किया करो मेरी, तभी रोटी गोल बनी। अच्छा जी। तो बस इस तरह से इसको डाल दो, तब तक ये हो तब तक दूसरा वाला बना लूंगी एकदम फटाफट एकदम फैक्ट्री। हाँ, और यहाँ पे गर्मा गर्म परांठे, परांठे नहीं पराठे, पराठे। मेरा मन दिखाओ, ये दिखाओ आप। आज मेरे लोग मेरे फेस में किसको इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा पराठों में इंटरेस्ट है, मेरे थोबड़े में खाली बस आपको इंटरेस्ट है होपफुली। अब मस्त दिख रहा है पराठा, ऐसा लग रहा है रिकॉर्डिंग करते करते भूख लग रहा है मेरे को। आपके तो आई पुट मोर स्टफ है। हाँ, करारा बनाऊंगी। अच्छा करारा, ऑब्वियसली करारा। और पराठे हो गया, पराठा पराठा हो गया। निष्ठा के लिए मैं सॉफ्ट पराठा बना रही हूँ, okay. क्रंची नहीं खाना है मेरे को, तो क्रंची पसंद है, क्रंची मक्खन तो लगे हुए ना ब्रेसेस, तो सॉफ्ट खाना है। और मैं बस अभी वो खेलने गई है, आके खाएगी, घी ला के रखती हूँ। सादे मैंने बनाई है टमाटर की चटनी, मक्खन है और मक्खन है। ओके पॉज कर दो, आज देखते हैं खाने में क्या है। कि भाग क्यों रहे ऊपर, और खाना खाने का बहुत देख लग रहा है, आपने लग रहा है तो थोड़ा कम। चलिए सामने आइए, आपको देती हूँ। आज आप खाना लेके जाइए। तो आज मैंने बनाया है आलू के पराठे मक्खन मार के, टमाटर धनिया की चटनी है, दही है, और ये आलू की पिट्ठी है। खाना बन रहा है। एंड अजीत, अजीत इसकी रेसिपी पक्का डालूंगी गरिमा स्प्राइट फूड में। मैं सभी को वैसे भी रिकॉर्ड करती हूँ, पर एडिट करने टाइम नहीं मिलता, बट श्योरली आई डू इट। सो एंजॉय। पेट लग गई है, दही सलाद बादाम पिस्ता वाला श्रीखंड है, रोटी रिदे के लिए अजय के लिए बने के पराठे, और सब्जी देना तो मैं भूल ही गई। चलिए तो ये रही मटर पनीर की सब्जी, एकदम घर के स्टाइल में, नो क्रीम नो मलाई। भैया हम तो ऐसे खाते हैं, क्रीम मलाई साइड में खाते हैं, सब्जी में नहीं खाते तो सब्जी डाल दी है मैंने, और बाहर हो रहा है खाने का वेट। मेरे खाना खाएगा, इंजॉय। रिश्ता ने खाना खा लिया है। मैंने बोला आजू यहाँ पर देखो, मैंने बोला हम जोक भरा, हम लोग पनीर में मलाई मलाई नहीं डालते, हम साइड में खाते हैं मलाई। बन रहा है वड़ी वाला पुलाव। एंड इसकी रेसिपी, पूरी रेसिपी पोस्ट कर दूंगी मैं गरिमा स्प्राइट फूड में। चावल डाल रही हूँ, पका लूंगी। यहाँ पर दूध उबल रहा है दही जमाने के लिए, लगेगा इसमें सीटी और पुलाव हो जाएगा रेडी। पुलाव हो गया है रेडी, इसको मैं मिक्स कर लूंगी। ये है वड़ी वाला पुलाव, मिक्स करके दिखाती हूँ। तो ये खाली वड़ी और आलू है, सब्जी वाला नहीं है, आलू मटर वड़ी। और ये रहा, बच्चे खा रहे हैं। ये दे बाबू, हॉट हॉट सॉरी। बना रहा है ड्रॉइंग कला का चटका।